चौपन नर्सिंग होम का किया निरीक्षण, 3 को नोटिस जारी। राज्य शासन के निर्माण अनुसार अभियान चलाकर प्रदेश में समस्त नर्सिंग होम का निरीक्षण किया जा रहा है। इसी को लेकर नर्सिंग होम का निरीक्षण सुनिश्चित किए जाने को लेकर श्योपुर जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को अनुज्ञापन प्राधिकारी बनाया गया। वहीं शासन के मंशानुसार गठित निरीक्षण दल ने श्योपुर शहर में स्थित 4 नर्सिंग होम का औचक निरीक्षण कर मध्य प्रदेश उपचार गृह और रुजोर उपचार संबंधी स्थापना रजिस्ट्रीकरण और अधिनियम के प्रावधान अनुसार निजी नर्सिंग होम के पंजीकरण के लिए जरूरी दस्तावेज का अवलोकन किया। वहीं नगरी और ग्राम पंचायत द्वारा जारी की गई बिल्डिंग परमिशन, वैलिड टेम्प्ररी फायर NOC सर्टिफिकेट, प्रदूषण नियंत्रण मंडल का बायोगैस वेस्ट निस्तारण सर्टिफिकेट, अधिकृत इंजीनियर का लिफ्ट सर्टिफिकेट, एट्रामिक एनर्जी रेगुलेटरी बोर्ड लाइसेंस, फूड सेफ्टी लाइसेंस, ब्लड बैंक लाइसेंस, MTP लाइसेंस और PCPNDT लाइसेंस का भी अवलोकन किया गया। वहीं नर्सिंग होम का निरीक्षण कर प्रतिवेदन मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी को सौंपा गया। वहीं कमियां पाए जाने पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा अनुज्ञापन की शर्तों का उल्लंघन और कमियां पाए जाने वाले संबंधित 3 नर्सिंग होम को नोटिस भी जारी किए हैं। और CMHO BL यादव ने बताया कि संबंधित नर्सिंग होम संचालकों को नोटिस जारी कर दिए गए हैं, जहां 30 दिन के भीतर नर्सिंग होम के संचालकों को उत्तर देना अनिवार्य है। यदि उत्तर समाधानकारक नहीं पाया गया तो अधिनियम के प्रावधान अनुसार स्पीकिंग ऑर्डर जारी कर तो होम का पंजीयन निरस्त किया जाता है। निरीक्षण दल में डॉक्टर जनेन्द्र सक्सेना, DHO मधुसूदन श्रीवास्तव, CMHO अजय नरवारिया मुख्य रूप से उपस्थित रहे। श्योपुर से संवाददाता गोविंद गर्ग की रिपोर्ट। डॉक्टर साहब, मध्य प्रदेश शासन के निर्देश अनुसार और कलेक्टर के आदेश अनुसार जो है यहाँ पे नर्सिंग होमों की चेकिंग चल रही है। अभी फिलहाल कुछ नर्सिंग होमों की चेकिंग भी की गई थी, क्या कुछ पाया गया और क्या स्थिति रहेगी चेकिंग के बाद? जो मापदंड के हमारे इंडिकेशन है और जो मापदंड के प्रावधान है उसके तहत नियमित में भी हुए हैं इनके परीक्षण, और फिर हमने स्पेशल तौर पर हमारे ACS महोदय के आदेश अनुसार भी उसमें तमाम दूसरे दो विभाग हैं सहयोगी, उनको भी लेके किया है। तो अभी इस टाइम पे हमारे पास में जो नर्सिंग होम है वो 8 ही हैं, तो 8 में से एक तो हमारा पहले से ही कैंसिल है, एक को 6-1 का नोटिस पहले से मिला हुआ है और 3 हमने कर लिए, तो टोटल 5 का मेरे सामने फिगर है। तो ये 6-1 का नोटिस का मतलब होता है कि आप 4 हफ्ते या 1 कैलेंडर मंथ इतना आप उसको पर्याप्त समय दो, ये कानून विदित है अपने। अगर वो कानून में ये लगता है कि 4 हफ्ते में वो कोई सुधार कर ले या वो अपनी पूरी रिपोर्ट दे दे तो ये उसके लिए एक अवसर है नेचुरल जस्टिस में, क्योंकि एकदम से धड़ाम से जाओ और आप उसको उसके प्रतिकूल चले जाओ तो वो नेचुरल जस्टिस नहीं कहलाता, न्याय ठीक ठाक होना चाहिए। तो अगर वो चीज़ उसके पास नहीं है तो हम लोग ये एक नोटिस और उसको 6-1 का दे के और वो जाएगा, और उसके बाद वो 6-1 का नोटिस बन गया है और चला भी गया है, अब आपको बता दूँ जी। तो अब ये है कि वो उसमें जवाब दे देंगे, अगर वो कर लेते हैं पूर्ति अच्छी हो जाती है तो बहाल रहेंगे, अन्यथा वो नियमानुसार उस पर कार्रवाई होगी।